जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1,61,54,000 रुपए व्यय कर 5,002 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया। उपायुक्त विवेक भाटिया ने 8 बच्चियों को बेटी है अनमोल योजना के तहत 10,000 रुपए की एफडी तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6 पात्र महिलाओं तथा 6 नवजन्मी बच्चियों को सम्मानित भी किया। इसके अलावा बेहतरीन कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। जिला परिषद भवन में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना पर कार्यशाला में संबोधित करते हुए उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं तथा अपने बच्चे के स्वास्थ्य के पोषण के लिए 5,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त में 1,000 रुपए गर्भधारण का पंजीकरण करवाने तथा दूसरी किस्त में 2,000 रुपए गर्भधारण के 6 माह के उपरांत तथा तीसरी किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में घर घर जाकर महिलाओं तथा शिशुओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी का दायित्व निभाते हुए हर परिवार की माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा उनका समय पर टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाज में बेटा बेटी में भेदभाव की धारणा को बदलने के लिए आम जन एकजुट होकर आगे आएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह आवश्यकता है कि महिलाएं पुरानी धारणाओं को बदलकर नई सोच को अपनाकर बेटा बेटी एक समान की भावना को प्रबल करें। उन्होंने कहा कि यह सुखद आश्चर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला का लिंगानुपात 1,022 तक पहुंच गया है। इस मौके पर उपायुक्त ने 8 बच्चियों को बेटी है अनमोल योजना के तहत 10,000 रुपए की एफडी तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6 पात्र महिलाओं तथा 6 नवजन्मी बच्चियों को सम्मानित किया। बेहतरीन कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर MOH डॉक्टर परविंदर सिंह, CDPO कौशल्या वंसल समस्त सुपरवाइजर के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बिलासपुर जो है पूरे उत्तरी भारत में इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में पूरे उत्तरी भारत में फर्स्ट है और पूरे देश में ना केवल उत्तरी भारत में फर्स्ट है, पूरे देश में भी ये टॉप परफॉर्मर जिला रहा है, टॉप परफॉर्मर्स में से रहा है। और अभी जैसे आप देखेंगे कि जो मातृ शिशु बैठक और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्य कार्यक्रम है उसमें जो बिलासपुर में जो लिंगानुपात है वो पिछले 10 महीने का जो लिंगानुपात है वो 1,022 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत ही एक खुशखबरी है यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और DPO मैम की टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा देखिए, ऐसे है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है इसमें बहुत सी ऐसी कल्याणकारी चीज़ें हैं जो इसमें आर्थिक लाभ भी हैं, इसमें हर तरह के लाभ जो हैं लोगों को दिए जा रहे हैं, खासतौर पर जो हमारी माताएँ हैं और जो हमारे बच्चे हैं इनके सर्वांगीण विकास के लिए इसमें बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। और सबसे जो ज़रूरी इसमें चीज़ है वो है अवेयरनेस जो है सभी में होना कि जो बेटा और बेटी जो है वो एक समान है, और अगर बेटियों को सारे सक्षमता के साथ और सारे के सारे जो उनके रिसोर्सेज और जो उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक साथ दी जाएँ तो बेटियाँ जो हैं वो बेटों से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस तरह की जो एक संदेश है वो इस स्कीम का जो अवेयरनेस जो है इस तरह की जो है स्कीम की मेन जो सेंट्रल पॉइंट जो इसका केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मातृ शिशु सम्मेलन की यहाँ बैठक जिसका कि मुख्य अतिथि जिलाधीश महोदय विवेक भाटिया जी थे, तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जिला बिलासपुर को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है और उसमें जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, हमारे CDPOs हैं, हमारे सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने जो बढ़ चढ़ के काम किया है उसके लिए उनको हमने आज यहाँ पे पुरस्कृत किया है। और मातृ शिशु बैठक के अंतर्गत हमने 6 बच्चियों को इसमें गिफ्ट प्रदान किए हैं DC साहब के माध्यम से।